लखनऊ के नगर निगम कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी क्या समय पर कार्यालय पहुंच रहे हैं, इसका रियलिटी चेक R9 न्यूज की टीम ने किया था, जिसका असर देखने को मिला है। खबर का संज्ञान लेते हुए अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पांडे ने जांच के आदेश दिए और एक दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया है। में हम लोगों ने जो है स्पष्ट जो है वो कार्यालय ज्ञाप निर्गत कर दिया गया। शासन से जो निर्देश हैं कार्यालय में प्रातः 10 बजे से जो है शाम तक रहने के, उसमें सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है। और पूर्व में भी नगरायुक्त महोदय द्वारा भी जो है शनिवार को औचक निरीक्षण किया गया था, तो उसमें जो अनुपस्थित थे उनका एक दिन का वेतन काट दिया गया उन लोगों का। और अगर इस प्रकार से कोई समय से नहीं आता, हमारे यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सिस्टम है, तो हम उसका वेतन जो है उस दिन का काट दिया जाएगा, यदि कोई कर्मचारी लेट आता है या अनुपस्थित रहता है अपने स्थल से। तो नहीं, 5 लोग थे जो है वो हाईकोर्ट से उन्होंने एक डायरेक्शन लिया था कि उनका एक रिप्रेजेंटेशन था, उस रिप्रेजेंटेशन में वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे प्रमोशन चाहते थे अपना, तो उसके लिए जो है हम लोगों ने जो उसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है उसके क्रम में टाइप टेस्ट का आयोजन कराया था। और इन 5 लोगों द्वारा उसमें जो है प्रतिभाग नहीं किया गया टाइप टेस्ट में, तो जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है उसको उन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, तो इसलिए उनको उस पद पर उनका जो प्रमोशन की जो मांग थी उनका प्रत्यावेदन जो है वो तदनुसार निस्तारित कर दिया गया कि ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है वो पूरी नहीं कर रहे हैं और तदनुसार वो जो जिस पद पर कार्य कर रहे थे वहीं करते रहेंगे। क्या बाबू का वेतन भी लिया है बैंकों से क्या? नहीं, इनमें देख लिया जाएगा, इसमें कोर्ट के आदेश के क्रम में जो है पूर्व में ये लोग कार्य करते आ रहे हैं पर्टिकुलर वेटरन बैंड में, लेकिन ये उस पर्टिकुलर पद पर प्रमोशन की भी मांग कर रहे थे जो है, तो वो जो है चूंकि योग्यता नहीं थी तो तदनुसार निस्तारित कर दिया गया उनका आवेदन जो है। नगर निगम में तमाम चपरासी बाबू का काम कर रहे हैं, अब ऐसे चपरासी को यानी कि बाबू बनकर काम करने वाले चपरासी को झटका लगने वाला है। अब नगर निगम प्रशासन इन चपरासियों के ऊपर एक्शन लेने जा रहा है, यानी कि करीब कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको झटका लगने वाला है। इनकी नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई है, मगर काम बाबू का कर रहे हैं, प्रमोशन को लेकर के दबाव बना रहे हैं, मगर उसके लिए अनिवार्य टाइप टेस्ट नहीं दे रहे हैं। 2 सप्ताह पहले भी आयोजित जो टाइप टेस्ट था ये कर्मचारी शामिल नहीं हुए थे। पिछले 3 साल से लगातार दूसरी बार टाइप टेस्ट से भागने वाले इन जुगाड़ू बाबू को अब उनके मूल नियुक्ति पद पर भेजने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम प्रशासन इन जो चपरासी हैं इनको अब जो जुगाड़ बन के बाबू बन चुके थे, लेकिन अब उनको पूरी नियुक्ति पर भेजने की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है। कैमरामैन रोशन के साथ संजीव सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।